सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। सुशांत की बहन ने बिहार पुलिस के सामने बयान दर्ज करवाया है और बहन का साफ कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा था। भूत प्रेत की कहानी सुनाकर सुशांत का घर भी बदलवा दिया था। सुशांत की बहन ने कल अपना बयान दर्ज करवाया है और ये सारी बातें सुशांत की बहन ने पुलिस को बताई हैं। आपको बता दें कि सुशांत अपनी बहन को बहुत कुछ बताकर गए। काफी बातें ऐसी थी जो बहन भाई दोनों के बीच में शेयर हुआ करती थी और उसी आधार पर सुशांत की बहन ने ये बातें पुलिस को बताई हैं। कहा है कि किस तरीके से भूत प्रेत का डर दिखाकर घर बदलवाया गया। दिव्येश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मीतू सिंह जो सुशांत की बहन है, क्या कुछ और खुलासा उन्होंने किया है और इस केस में किस तरीके से आगे की कड़ियां जुड़ती हैं? जी नवजोत, आपको बता दें मीतू सिंह जो कि सुशांत की बहन है, पहले मुंबई पुलिस के पास उनका बयान दर्ज हुआ था, अब उनको उनका बयान बिहार पुलिस ने भी कल दर्ज किया है और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं। किस तरीके के हालात थे प्रिया के साथ, कब से सुशांत रह रहे थे, किस तरीके की उनके संबंध थे, इन सारी चीज़ों का खुलासा मीतू सिंह के बयान में हुआ है। इसके बारे में खासी जानकारी तो बिहार पुलिस नहीं दे पा रही है अभी, उन्होंने बताने से अभी मना किया हुआ है। पर जो सूत्रों की माने तो यही सुनने में आ रहा है कि किस तरीके से रिया एक तरीके से सुशांत को कंट्रोल कर रही थी, इस बारे में खुलासा हुआ है मीतू सिंह के स्टेटमेंट में कि पूरी तरीके से रिया ने अपने बस में कर लिया था सुशांत को, वो कंट्रोल कर रही थी। बहुत सारी बातें थी जो मीतू ने बताई हैं और जो एलिगेशंस रहे हैं के सिंह जो कि सुशांत के पिता हैं, उन्होंने कंप्लेंट में जो एलिगेशंस किए हैं कि किस तरीके से रिया घर वालों से उनसे मिलने नहीं दिया करती थी, उनसे बात नहीं करने दिया करती थी, उनको घर में अपने बांध कर रखती थी, घर में कंट्रोल करके रखती थी, अपने वश में पूरी तरीके से उन्होंने कर लिया था। सुशांत की तबीयत बिगड़ते जा रही थी, वही डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट करती थी, वही डॉक्टर्स को बुलाती थी, सारे ही चीज़ें वो वही रन कर रही थी एक तरीके से उनके घर में उनके साथ रहकर। सुशांत पहले अकेले रहते थे, रिया आया जाया करती थी, पर लॉकडाउन के दौरान। मैं रोकूंगी आपको, सीधा चलेंगे हमारे साथ इस वक्त संजय शर्मा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक है। संजय, सीबीआई जांच की मांग को लेकर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सीबीआई के जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये लोकस का मामला है, इसलिए लिहाजा ऐसे में बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले की में सुनवाई करे तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल उन्होंने याचिका खारिज कर दी है और ये कहा है कि जिनका जो काम है उनको अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाए। साथ ही सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह जी ने, इनका ये साफ कहना है कि वो मांग करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जब ये मामला सुनवाई पे आएगा उस समय ये मांग करेंगे कि पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये आदेश करे कि पटना हाई कोर्ट अपनी निगरानी में उस जांच की पर निगरानी रखे, जो पुलिस जांच चल रही है, जो पटना बिहार पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा पटना हाई कोर्ट उस पर अपनी निगरानी रखे, यानी कोर्ट मॉनिटर्ड जाँच होनी चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से ये मामला अभी आगे आया है इसमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के मुंबई पुलिस के कई अफसरों के साथ और कई नेताओं के साथ उनके नज़दीकी ताल्लुकात हैं, लिहाजा जांच इसकी भी होनी चाहिए। साथ ही ये कि जब एक बार परतें खुलना शुरू होंगी तो उसमें बहुत सारे लोग लपेटे में आएंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें जांच करनी बाकी है, क्योंकि 40 दिनों में जो पूछताछ हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिले नहीं हैं, जवाब मिलने बाकी हैं और वो जवाब मुंबई पुलिस को 40 दिन में तो मिल नहीं पाए। तो बिहार पुलिस जिन्होंने पहली बार FIR दर्ज की है उस FIR की जाँच साफ स्वतंत्र कोई स्वतंत्र एजेंसी करे या उसकी जांच बिल्कुल साफ साफ होनी चाहिए ताकि ये जो सवाल हैं उनके जवाब मिल सकें और अदालत को संतुष्ट किया जा सके। बिल्कुल, तो बड़ी खबर सीबीआई जांच की मांग को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है, इसको फिलहाल खारिज किया है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए और इस बीच ये भी बताएं कि सुशांत केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और रिया ने अर्जी ये दी कि सुशांत के पिता ने कैविट दायर की रिया की अर्जी के बाद, और सुशांत के पिता के जो वकील हैं विकास सिंह उनसे हमने बात की, क्या कुछ उनका कहना है ये सुनते हैं। सुशांत सिंह के पिताजी के वकील हमारे साथ हैं, विकास सिंह जी। सर, आपकी इम्प्लीटमेंट और उसकी अर्जी है और साथ ही कैविट भी है? नहीं, इम्प्लीटमेंट की बात नहीं, अभी पता चला मेरे को उसने हमको पार्टी बनाया है इसलिए केवीएट ही सिर्फ फाइल हो रहा है। पहले खबर आ रही थी कि हमको पार्टी नहीं बनाया इसलिए इम्प्लीटमेंट डालने की बात थी,
लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि अभी तक तो वो सीबीआई की जांच मांग रही थी और मुंबई पुलिस जब कर रहा था तो मुंबई पे तो उनको विश्वास ही नहीं था रिया चक्रवर्ती को, और जब पटना में केस फाइल हो गया है तो अब कह रही है वापस मुंबई पुलिस को भेज दिया जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको एक अश्योरेंस है मुंबई पुलिस से कि इसमें कुछ नहीं होगा, और सीबीआई की जो जांच की जो मांग थी वो सिर्फ एक अपने अपने करतूत को कवर अप करने का एक सिर्फ स्टेटमेंट था, उनका कोई इंटेंशन नहीं था सीबीआई की जांच का। उनका इंटेंशन था कि सिर्फ लगे कि एज इफ वो निर्दोष हैं और इसीलिए सीबीआई की जांच कर रही है, क्योंकि अगर वो एक्चुअली सीबीआई की जांच में इंटरेस्टेड थी जिस तरह का उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया है, तो आज जब वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है तो उन्होंने स्टेट में सीबीआई को ट्रांसफर क्यों नहीं मांगी और मुंबई पुलिस को ट्रांसफर क्यों मांग रहे हैं, जिस पुलिस फोर्स पर उनको ऑलरेडी विश्वास उठ चुका है, जिस पुलिस फोर्स के इन्वेस्टिगेशन से वो नाखुश हैं। और उधर महाराष्ट्र सरकार भी ये कह रही है कि अभी फिलहाल सीबीआई इंक्वायरी की मांग वो नहीं करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र को सीबीआई इंक्वायरी करने का कोई नौबत भी नहीं आज के दिन में, क्योंकि आज तो सीबीआई इंक्वायरी अगर करेगा तो बिहार सरकार करेगा, क्योंकि मामला दर्ज तो बिहार में है, पटना में है। अगर पटना फील बिहार गवर्नमेंट फील करेगा कि इसको सीबीआई को देना है तो वही भेज सकता है, मुंबई को तो राइट भी नहीं सीबीआई को आज के दिन भेजने का। देवेश और संजय शर्मा दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। देवेश, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया, कहा कि हाईकोर्ट जो है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि पुलिस को काम करने दीजिए, लेकिन पुलिस के काम को लेकर ही सुशांत के परिवार वालों ने सवाल उठाए, उनके वकील ने सवाल उठाए कि जिस तरीके से जांच होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही। जी नवजोत, आपको एक अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है वो मैं बताना चाहूंगा। 26 जुलाई को सुशांत के परिवार ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई और उसके बाद हमारे सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि मुंबई पुलिस को भी परिवार ने कांटेक्ट किया और उनको भी ये कहा कि अब हम हमारा स्टेटमेंट दर्ज कराना चाहते हैं, जबकि पिछले 2 से 3 हफ्ते से मुंबई पुलिस मीतू सिंह जो कि सुशांत की बहन है उन्हें कांटेक्ट कर बुलाने की कोशिश कर रही थी। सुशांत के एक और बहन है प्रियंका, उनको भी बुलाया जा रहा था कि वो भी आकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, पर वो लोग किसी वजह से आ नहीं पा रहे थे। पहले वो कहीं पर फंसी हुई थी बरसात की वजह से, ऐसा उन्होंने वजह दी थी कि वो नहीं ज्वाइन कर सकती हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो गुड़गांव चली गई हैं क्योंकि उनके परिवार में किसी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो नहीं आ सकती हैं। उसके बाद एकाएक बिहार में एफआईआर दर्ज होती है और उसके बाद अपना बयान दर्ज करवाती है।